आप सबको डॉक्टर रजनी रमण झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हूँ। हमने भू धातु के विधि लिंग में भवेत भवेताम भवेयुः भवेत और भवेताम पढ़ लिया था, अब हम भवेयुः पढ़ेंगे जो कि भू धातु के विधिलिंग में प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो इसको प्रारंभ करते हैं। भवेयु भू धातु से कर्ता अर्थ में, भू धातु से कर्ता अर्थ में विधि आदि, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इस सूत्र से लिंग प्रत्यय का योग किया। लिंग में ल ई और ङ है, तीन तीन अक्षर हैं, तो ई जो है उसकी उपदेशे जनुनासिक इस सूत्र से संज्ञा होती है और ङ की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है। विधि निमंत्रणा मंत्रणा संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग में ई जो है ई उपदेशे जनुनासिक इत और उसका ग की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है, तस्य लोप सूत्र से दोनों का लोप हो जाता है। शेष क्या रहता है? शेष रहता है ल, भू प्लस ल, क नंबर पर हो गया भू प्लस ल। अब इसी ल के स्थान पर सभी तिंग प्रत्यय आते हैं, तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप वस्मस परस्मै पद में आताम जहा था साथाम धम इट वही महीन आत्मने पद में। तो अभी हम परस्मै पद का पढ़ रहे हैं, तो परस्मै पद में प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय है? जी, तिप्तस जी सूत्र से जी प्रत्यय आया, तो भू प्लस जी हो गया ख नंबर पर, भू प्लस जी। अब ये जी किसके स्थान पर है? लिंग के स्थान पर। तो लिंग के स्थान पर होने से एक सूत्र आता है झेर जुस, झेर जुस, झेर जुस सूत्र से जी के स्थान पर जूस प्रत्यय आ गया। जूस में क्या हुआ? जूस ज जो है ज के चुटू सूत्र से संज्ञा हो जाती है, च छ ज ट ठ ड ढ ण, ये जो 10 अक्षर हैं इनकी यदि ये पहले होते हैं प्रत्यय के पहले, मतलब पहला वर्ण होते हैं तो उनकी संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ जूस है ज, चुटू में चू में आता है च छ ज य, तो ज की संज्ञा हुई और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो गया। अब स की भी संज्ञा है हलंत्यम सूत्र से, तो उसका भी लोप होना चाहिए, तो कहते हैं नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि जूस जो है किसके स्थान पर आया है? जी के स्थान पर। तो स्थानीय वदादेशो नलविधो सूत्र से जूस भी जी के समान होगा, तो जूस जी के समान होगा का मतलब क्या हुआ कि जी जिस तरह से तिंग है उसी तरह से जूस भी तिंग है। तो तिंग को विभक्तिश्च सूत्र से वह विभक्ति होता है, तो जूस भी विभक्ति हो गया। तो विभक्ति न विभक्तो तुष्माह सूत्र से क्या कहा कि विभक्ति में त थ द ध न स और मस, इन सात अक्षरों का, सात अक्षरों का क्या नहीं होता है? सात अक्षरों का की संज्ञा नहीं होती, तो संज्ञा नहीं हुई, इत संज्ञा नहीं हुई तो क्या हो गया? स रह ही गया, तो ज निकल गया तो उस बच गया, तो क्या हो गया? भू प्लस उस। अब यासुट परस्मय पदेशु दात्तो गिंच सूत्र से उसको यासुट का आगम हुआ, यासुट, यासुट में ट ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई और ऊ जो है वह उच्चारण मात्र के लिए है, तो यास बचा, यास। और चूंकि यह टित है अतः आदंतो टकितो सूत्र से
उसके आदि में आया, उसके आदि में आया। तो क्या हो गया, भू प्लस यास उस। अब यास उस जो है, यदागमस तद्गुणी भूतो, यदागमस तद्गुणी भूतो तद्ग्रहणेन गृह्यते, यह कहा गया कि उस जो है वही यास इससे आकर मिला है, वो एक ही उसका गुण ले लेगा। तो यास ने उसका गुण ले लिया तो क्या बन गया, दोनों तिंग बन गए। तो यास उस पूरा ही तिंग हो गया, और जब तिंग हो गया तो तिंग सार्वधातुकम सूत्र से यास की सार्वधातुक संज्ञा हुई, और उसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम हुआ। शप का, शप में तीन अक्षर हैं, श अ और प। तो श अ और प में श की लशक को तद्धिते सूत्र से संज्ञा हुई, और प की हलंतेम सूत्र से संज्ञा। बचा क्या, अ। तो भू प्लस अ प्लस यास उस। अब अ देखिए, अ में अ किसका है, शप का है। तो श की संज्ञा हुई और प की संज्ञा हुई, बचा क्या, अ। तो अशित हो गया, शप का होने के कारण से शित हो गया। श की संज्ञा हुई से शित हुआ। तो तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से अ की भी सार्वधातुक संज्ञा हुई, और सार्वधातुकार्ध धातु का यो सूत्र से भू के ऊ का ओ हो गया। तो भू प्लस अ प्लस यास उस। अब एचो यवायाव से भू के ओ का अब हो गया, तो भव प्लस अ प्लस यास उस। और भव प्लस अ प्लस यास उस होने से भव हो गया पूरा, व में आ जाके मिल गया। तो भव प्लस यास उस। अब भाव क्या है, भाव के अंत में अ है इसलिए अदंत है। और यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र से भाव अंग भी है, यास उस उसमें जुड़ा है ना। अब भाव उसके आदि में है इसलिए क्या हो गया, अंग। तो भाव हो गया अदंत अंग। तो अदंत अंग के परे जो यास होता है उसको अतो ये यह सूत्र से ई आदेश होता है, ई और हलंत। तो भव प्लस ई उस हो गया, भव प्लस ई उस बराबर भव प्लस ईउस। ईउस ई अय में ऊ मिल गया, ईउस हो गया ईउस। भव के अंत में क्या है, अ, और ईउस का ई। तो अ और ई दोनों मिलके आदगुण सूत्र से गुण बनाकर भव एयुस, भवेयुस, भवेयुस हो गया। अब चूंकि कहते हैं कि सुप्तिगंतम पदम, इसमें तिंग लगा है, उस जी था, जी की जगह पर जूस आया, जूस की जगह पर उस बचा, तो उस तिंग है इसलिए सुप्तिगंतम पदम, जिसके अंत में सुप लगा हो या तिंग लगा हो वो पद होता है। तो भवेयुष में उस लगा है तो भवेयुष पद है। तो भवेयुष यदि पद है तो स क्या है, पदांत है। स क्या है, पदांत। तो क्या होगा फिर, भव यदि भवेयुष यदि पद है तो स हुआ पदांत, और स के पदांत होने से क्या होगा, पदांत स का रूत्व विसर्ग हो जाएगा। सस जुषो रू से रू हुआ, और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हुआ। तो भवेयुः स का रुत विसर्ग होकर क्या हो गया, भवेयुः, भवेयुः इति सिद्धम, भवेयुः, यही सिद्ध करना था। तो कैसे हुआ, फिर से देखते हैं इसको, दोहराते हैं। भू धातु में विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग से लिंग प्रत्यय हुआ। लिंग में ई और ग की संज्ञा हुई, ई की उपदेश जनुनासिक से ग की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्लोप से लोप हो गया, भू प्लस ल बचा। अब इस ल के स्थान पर तिंग आना है, तो तिप तस जी से प्रथम पुरुष बहुवचन में परस्मय पद प्रथम पुरुष बहुवचन में ती ल के स्थान पर जूस जी आया, जी, और झेर जूस सूत्र से जी के स्थान पर जूस आ गया। जूस में ज जो है उसकी चुटू सूत्र से संज्ञा हो गई, तस्लोप से लोप हो गया। स की भी संज्ञा प्राप्त थी किंतु
जूस जो है वह जी के स्थान पर आने से तिंग तिंग है, और तिंग होने के कारण विभक्ति सूत्र से विभक्ति भी है, और विभक्ति होने के कारण न विभक्तो तुष्माह सूत्र से उसके स की संज्ञा नहीं होती, तो स रह जाता है, तो भू प्लस उस हो गया। अब यासुट परस्मय पदेशु दातो गिच्च सूत्र से उसको यासुट का आगम हुआ, यासुट में ट जो है उसकी हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई, यासुट का जो ऊ है वह उच्चारण मात्र के लिए है वो भी निकल गया, यास बचा, भू प्लस यास उस। यास आगे क्यों आया? आद्यंतो टकितो सूत्र से उसके पहले आए, भू प्लस यास उस। अब यास और उस दोनों मिलके तिंग है, यदागमस तदगुणीभूतो भूतस तदग्रहणेन गृह्यते, जिसका आगम होता है वह उसका गुण ले लेता है, किसका? जो स्थानीय है। यास उसके पास आया तो उसका गुण ले लिया यास ने, उस क्या है? तिंग है, तो यास और उस दोनों मिलकर तिंग हो गया, यास ने भी उसका गुण ले लिया यानी उसमें मिल गया, तो यास उस हुआ, ये हो गया तिंग। और इसके परे रहते भू से परे कर्तरी शब सूत्र से, शब का आगम, शब में दो तीन अक्षर हैं, श आ और प, तो श की लशको तद्दिते सूत्र से संज्ञा हुई, प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई, अ बचा, भू प्लस अ प्लस यास उस। अ क्या है? अ जो है तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से, अशब का है इसलिए तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती, और सार्वधातुक संज्ञा हो जाने पर सार्वधातुकार्ध धातु का यो सूत्र से भू का जो ऊ है उसको ओ हो जाता, भो प्लस अ प्लस यासुस। और एचो यवायावा सूत्र से भो का जो ओ है उसको अव हो जाता, भव प्लस अ प्लस यासुस, भव मिल गया, भव पूरा हो गया। अब भव का जो अंतिम अ है वह उसके कारण से भव अदंत है, और भव अंग भी है क्योंकि अस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, प्रत्ययंगम भव के परे प्रत्यय है ना उस, तो यास उस प्रत्यय है इसलिए भव अंग हो गया, अदंत अंग होने के कारण से अतो ये यह सूत्र क्या कहता है? अतो ये यह कहता है कि जो यास है उसके स्थान पर ईय आदेश हो जाए, तो भव प्लस ईय उस बराबर भव प्लस ईयुस, य में उ मिल गया, भव प्लस ईयुस। अब भव के अंत में अ है और ईयुस में ई है, तो अ और ई मिलकर क्या बनाएंगे आदगुणा सूत्र से? ए भव ए युस, भव ए युस बराबर भवे युस। अब चूंकि इसमें उस प्रत्यय लगा है इसलिए जो उस जो है वह तिंग है, झी के स्थान पर आया है ना, झी तिंग है, तो इसलिए यह तिंगंत हुआ, कौन? भवे युस, इसमें उस प्रत्यय लगा है, भवे युस तिंगंत हुआ, सुप्तिगंतम पदम सूत्र से भवेयुस पद हुआ। सुबंत और तिंगंत पद होते हैं, तिंग जिसके अंत में, तो भवेयुस पद हो गया, तो भवेयुस पद हुआ तो स क्या हुआ? स हुआ पदांत, और पदांत स का स से जुशोर उसे रू होता है, र बचता है, फिर खरबसानी और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो जाता है। इसको सीधे हम कह देते हैं अदांत स का रुत्व विसर्ग होकर भवेयुह, भवेयुह विसर्ग हो गया ना, भवेयुह इति सिद्धम, भवेयुह रूप की सिद्धि होती है। इस तरह से भवेयु रूप की सिद्धि है, यानी प्रथम पुरुष के तीनों रूपों की सिद्धि होगी, भवेत भवेताम भवेयु। अब आगे हम मध्यम पुरुष के रूपों की सिद्धि करेंगे। धन्यवाद।